अल्लाह की कसम उतार रहा हूं, एक वाकया ऐसे पेश आया, हमने 92 के अंदर पेपर के अंदर पढ़ा है, ऐसा वाकया पेश आया जापान के अंदर, एक कबीला ऐसा था जो इस्लाम कबूल करने के लिए गैर मुस्लिम थे, उन्होंने इस्लाम का मुताला किया, सही हदीस का मुताला किया, कुरान का मुताला किया, वो इस्लाम कबूल करने के लिए जब जापान की कम्युनिटी के पास, मुस्लिम कम्युनिटी के पास आए, उनसे पूछा गया कि हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, उस बदबख्त ने, उस दौर के लोगों ने वहां पर जो मौजूद थे उन्होंने कहा कि चारों मसलक में से जब तक तुम एक मसलक को इख्तियार नहीं करते उस वक्त तक तुम इस्लाम कबूल नहीं कर सकते। आज हम टुकड़ियों में बैठकर लोगों को क्या तालीम देंगे, क्या तालीम देंगे? गांधी जी ने क्या कहा था जब 50,000 आदमी को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम कबूल करने के लिए कहा था, तो क्या मुस्लिम कौम के लोग इतने तबके में बटे हुए, इतने फिरके में बटे हुए, तो कौन सा इस्लाम कबूल करेंगे? उसने इरादा तर्क कर दिया, तर्क करके उसने बुद्ध मत को कबूल कर लिया, बुद्धिस्ट हो गए वो, हमारे इन फिरकों की वजह से, हमारे इन तफरकाबाजी की वजह से। कुरान और सुन्नत को छोड़ोगे तो यही हशर होगा। तो जापाटा के अंदर खबर फैल गई, नतीजा ये हुआ, नतीजा बहुत सारे लोग आए, मारपीट शुरू हो गई, हाथापाई शुरू हो गई, उमर बिन खत्ताब मारते मारते मुशरिक मक्का को थक गए। उसके बाद फिर आप को कहा कि आए अब आकर हम नमाज पढ़ेंगे। जब पूरे मक्का के अंदर खबर फैल गई, हजरत उमर बिन खत्ताब इस्लाम ले आए, सबके होश उड़ गए, सबके होश और हवास उड़ गए, और मक्का के अंदर सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाया। ये पहला मौका था जहां वहां पर मक्का के अंदर नमाज पढ़ी गई, लाया गया, और ऐलान क्या किया उमर बिन खत्ताब ने, अल्लाह अकबर, उनकी ताकत, उनकी फिक्र कुर्बान जाए उनकी फाम पर, कहा कि आज जो बच्चा यतीम होना चाहता है मेरे सामने, जो अपने बच्चों को यतीम करवाना चाहता है मेरे सामने, आज जो और जो अपने अपने बीवी को बेवा देखना चाहता है वो मेरे सामने आए। ऐलान कर दिया अल ऐलान मक्का के अंदर, इस्लाम को तकबीर ऐसे मिली, इस्लाम को तकबीर ऐसे मिली है, इस्लाम ऐसे फैला है, जहां जब दावत को रोकने के लिए कोशिशें की जाती है वहां आलम जहां बुलंद कर दिया गया, लेकिन वो हालात वो मौके नहीं है। आज हमारे सामने मैदान खुला हुआ है, हम गैर मुस्लिम के पास भी अगर दावत देंगे वो इनकार नहीं करेगा, लेकिन अफसोस ये है कि हम वहां पर जाकर देंगे, मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिमों को भी हम दावत देते थे, आज रास्ते दावत के लिए हम आ रहे हैं, हमारे इस 70 साल आजादी के वेस्ट हो चले गए, हमारे जमातों के, दीनी जमातों के, हमने सिर्फ मुसलमानों पर काम किया और मुसलमानों की इस्लाह करने की कोशिश की, लेकिन गैर मुस्लिमों तक हम पहुंचने की कोशिश नहीं की। अल्लाह की कसम, हमारे पास वक्त था, आजादी के बाद अंग्रेजों की, अंग्रेजों से हमने आजादी पाई, हमारे उलमा ने कुर्बानियां पेश की, उसके बाद हमें आजादी मिली, 70 से 75 साल हो गए हमने दावत का हक अदा नहीं किया, आज हम खुद कुरान और सुन्नत को छोड़कर कहां लोगों को दावत देते फिरेंगे, आज हम खुद इख्तलाफ का शिकार हो गए, हमें तो गैर मुस्लिम के पास जाकर दावत का काम करना चाहिए था, आज हमारे खुद मुसलमानों के इतने टुकड़े हो गए कि मुसलमानों को समझाते समझाते ही हमारा वक्त पूरा हो जाता है। अगर सारे लोग किताब सुन्नत पर आते तो आज हम गैर मुस्लिमों में यही किताब सुन्नत को पेश करते। अल्लाह की कसम उतार रहा हूं, एक वाकया ऐसे पेश आया, हमने 92 के अंदर पेपर के अंदर पढ़ा है, ऐसा वाकया पेश आया, जापान के अंदर एक कबीला ऐसा था जो इस्लाम कबूल करने के लिए गैर मुस्लिम थे, उन्होंने इस्लाम का मुताला किया, सही हदीस का मुताला किया, कुरान का मुताला किया, वो इस्लाम कबूल करने के लिए जब जापान की कम्युनिटी के पास, मुस्लिम कम्युनिटी के पास आए, उनसे पूछा गया कि हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, उस बदबख्त ने, उस दौर के लोगों ने वहां पर जो मौजूद थे उन्होंने कहा कि चारों मसलक में से जब तक तुम एक मसलक को इख्तियार करते उस वक्त तक तुम इस्लाम कबूल नहीं कर सकते। आज हम टुकड़ियों में बैठकर लोगों को क्या तालीम देंगे, क्या तालीम देंगे? गांधी जी ने क्या कहा था जब 50,000 आदमी को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम कबूल करने के लिए कहा था, तो क्या कहा था मालूम है? अंबेडकर से कहा था, अंबेडकर तुम कौन सी इस्लाम की बात करते हो जिसके मानने वाले खुद इतने फिरकों में बैठे हुए हैं कि तुम कौन सा इस्लाम कबूल करना चाहते हो? उसने इस्लाम को तर्क किया, इस्लाम को 50,000 आदमी के साथ इस्लाम कबूल करने वाले थे, बाबा साहब जिसका नाम जो आज कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हुए हैं, उनका यह कहना था कि जब अबू क्या कहते हैं, जब गांधी जी ने यह कहा कि इस मुस्लिम कौम के लोग इतने तबके में बैठे हुए, इतने फिरके में बैठे हुए, तुम कौन सा इस्लाम कबूल करेंगे? उसने इरादा तर्क कर दिया, तर्क करके उसने बुद्ध मत को कबूल कर लिया, बुद्धिस्ट हो गए वो, हमारे इन फिरकों की वजह से, हमारे इन तफरकाबाजी की वजह से। कुरान और सुन्नत को छोड़ोगे तो यही हशर होगा। तो जापान की कम्युनिटी, गैर मुस्लिम कम्युनिटी, पूरा खानदान इस्लाम कबूल करने वाला था, जब मुस्लिम कम्युनिटी के पास आया, वहां का जो लीडर था मुस्लिम, उसने कहा कि जब तक तुम एक मसलक को इख्तियार नहीं कर लेते तब तक जो है क्या कहते हैं इस्लाम कबूल नहीं कर सकते, तुमको किसी ना किसी मसलक को इख्तियार करना पड़ेगा। तो उन्होंने सामने से क्या जवाब दिया, कहा कि
हमने जो कुरान और सुन्नत से जो मुताला किया था, हम उसको उस इस्लाम को कबूल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक किसी एक मतलब को इख्तियार नहीं करोगे तब तक दीन इस्लाम को कबूल नहीं। उन्होंने सारी चीजें रख दी, तुम्हारा इस्लाम तुम्हारे बाप है, उन्होंने वापिस चले गए, इस्लाम कबूल नहीं किया हमारे इन फिरकाबाज की। एक मिसाल अंबेडकर की है, दूसरी मिसाल जापान की है। ये खुद 92 के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, अखबार के अंदर ये रिपोर्ट पेश की गई थी। आज मुसलमान इतनी टुकड़ियों में बट गए, इस्लाम फैलाने के लिए रास्ता हमवार था, हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं था, कोई जबरदस्ती नहीं थी, हम सारे खैर मुस्लिमों को दावत दे सकते थे, लेकिन हमने मौका गंवाया। उस मौके के असबाब में से एक सबक यह भी है कि हम टुकड़ियों में बट गए, कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया, तो हम इस्लाम कैसे फैला सकते हैं? क्या तालीम देंगे गैर मुस्लिम को? किस मसलक की तरफ बुलाएंगे? अगर काल अल्लाह काला रसूल होता तो हम इस्लाम की दावत पेश करते उनके सामने। तो उमर बिन खत्ताब यहां पर काबतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ा रहे हैं, और उस वक्त में एक आदमी का इस्लाम कबूल करना इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था कि आपको पीट पीट कर आपको लहूलुहान कर दिया जाता। ये नौबत थी उस वक्त में, लेकिन ऐसे वक्त में कुर्बान जाए हजरत उमर बिन खत्ताब पर किस कदर बहादुरी का सबूत दिया, और इस्लाम को पूरी आबोताब के साथ पूरी दुनिया के अंदर फैलाया।